आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर है बरहज देवरिया से। बरहज विधानसभा में गुरुवार को सुबह 7 बजे विधानसभा चुनाव का मतदान। भलवनी, बरहज, भागलपुर सहित सभी स्थानों को प्रशासन की चुस्ती में मतदान सकुशल संपन्न कराया गया। बरहज विधानसभा 342 में कुल 57.39% मतदान हुआ, जबकि भाजपा प्रत्याशी दीपक मिश्रा उर्फ शाका बाबा, कांग्रेस के प्रत्याशी रामराजी गिरी, सपा के प्रत्याशी मुरली मनोहर जायसवाल व बसपा के प्रत्याशी विनय तिवारी ने अपने बूथों पर मतदान कर इस महापर्व पर अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग किया। वहीं कुछ ग्रामीणों का आरोप है कि कई स्थानों पर बीएलओ के लापरवाही से तथा मतदान सूची में नाम न होने पर लोग अपने मत का प्रयोग करने से वंचित रह गए। जनता द्वारा नियमों पर आरोप लगाते हुए बताया कि यह सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की गलती है जो हम लोगों के मौलिक अधिकार का हनन किया है। लोगों द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि बीएलओ के द्वारा सिर्फ और सिर्फ दस्तावेज में ड्यूटी किया जा गया है, जिसमें हम लोग अपने मत से वंचित रह सके। मतदान इस महापर्व पर दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री नीरज शाही व उनकी धर्मपत्नी ने अपने बूथ पर मतदान कर राष्ट्र के विकास व संपन्नता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। न्यूज 9 भारत से संवाददाता पवन पांडे की खास रिपोर्ट। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।